हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। सो मैंने कुछ ऐसे टिप्स लिखे हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो आइडिया जो इम्प्लीमेंट होते हैं आपके बिजनेस पर्पज से, यानी कि आपको सेल्स भी जनरेट करने हैं और लीड्स भी जनरेट करने हैं। सो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेकर मैंने आज कुछ टिप्स बनाए हैं जो मैं आज शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप कंटेंट कैसे रेडी करोगे इसके लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट 20 बेस्ट आइडियाज़ फॉर कॉन्टेंट मार्केटिंग। आज सबको पता है कि कॉन्टेंट मार्केटिंग आज की डेट पर एक न्यू रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब कि गूगल की जो डिपेंडेंसी है वो आप समझ लो एक तरह से कि कंटेंट पे है। कंटेंट आपका जितना बेटर होगा आप बेटर रैंक करोगे, राइट। ये परफेक्ट है। अगर आपको एक आर्टिकल भी करना है तो उसके लिए यूजर इंगेजिंग आर्टिकल होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, कुछ यूनिक होनी चाहिए, तभी वो आर्टिकल आपके चलेंगे, वर्क करेंगे, राइट। सो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए आज जो मैंने 20 आइडियाज बनाए हैं वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लूँगा क्योंकि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअली ये बेस्ट आइडियाज़ क्या हैं, राइट। और उसी के साथ साथ मैं इम्प्लीमेंट भी करके बता दूँगा कि इससे आप कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट। कंटेंट मार्केटिंग क्या है एक्चुअली? इज ए पावरफुल वे टू इंगेज योर ऑडियंस एंड ड्राइव बिजनेस रिजल्ट्स। हेयर आर सम क्रिएटिव कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज़ टू कंसीडर। सीधी सी बात है कि कंटेंट मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं जहाँ पे हमारे ऑडियंस के साथ इंगेजिंग बढ़े, राइट। अब पहला है इंटरैक्टिव क्विजेज एंड पोल्स। क्रिएट क्विजेज और पोल्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स। इनकरेज यूज टू पार्टिसिपेट एंड शेयर देयर रिजल्ट्स ऑन सोशल मीडिया। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो मैंने बनाया है क्विजेज है एंड पोल्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें लोग मोस्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट वो आपके सर्विस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपकी बिल्कुल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एसईओ सर्विसेज पे लिख रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ और मैं किसी और टेक्नोलॉजी को लेके बात कर रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएंगे। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट क्विजेज एंड पोल्स। अब ये बनाओगे कैसे? आज की डेट में आपको भी पता है कि चैट जीपीटी आज की डेट काफ़ी रिवॉल्यूशन चल रहे हैं इसमें, जो एआई टेक्नोलॉजी पे सिस्टम पे चैट बॉट है, राइट। सो यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? मैंने एक AIPRM करके एक लोड कर रखा है जिसको आप भी यूज करके आप इससे काफ़ी कुछ आइडियाज ले सकते हो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आइडियाज लेने की, इम्प्लीमेंट आप खुद करना, क्योंकि आइडियाज लेना और इम्प्लीमेंट करना द सेम थिंग्स, ये सही नहीं है। ये आप आइडियाज लेके अपने अकॉर्डिंगली कॉन्टेंट को यूज करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। जैसे अब यहाँ पे है पोल के बारे में, मैंने यहाँ पे पोल लिखा, राइट। सो यू कैन सी यार कि कैसे मैं पोल जनरेटर फॉर लिंक्डइन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन के लिए ही, आप डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। क्रिएट 20 लिंक्डइन पोल आइडियाज। चलो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, गिव मी द आइडिया, ये कह रहा है कि बिजनेस और टॉपिक बताओ। सो मेरी जो टॉपिक से मैंने डायरेक्ट, मुझे कुछ नहीं समझ में आया और मैंने लिखा SEO सर्विसेज। सो ये क्या करेगा, दे विल बी एनालाइज और अकॉर्डिंगली ये आप मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ पोल्स जनरेट कर देंगे। फिर आप आइडिया लो, यूज अपने आप करो, अपने साइट के लिए करो, अपने आर्टिकल के लिए करो, अपनी सोशल प्रोफाइल के लिए करो, सोशल मीडिया में करो, कहीं भी आप कर सकते हो। तो ये एक यूजर इंगेजिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखो कितने सारे यहाँ पर मेरे को आइडियाज़ मिल गए, जैसे डू यू अटेंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स, ऑलवेज, ओकेजनली, रेयरली, नियरली, विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट जनरेट द मोस्ट ऑडियंस, कहाँ चले, हाँ चलो, डू योर एम्प्लॉइज एक्टिवली शेयर कंपनी कॉन्टेंट ऑन देयर पर्सनल सोशल प्रोफाइल। सो यू कैन जनरेट दिस टाइप ऑफ द पोल्स और इसे आप अपने साइट में जहाँ से आप चाहते हो इंगेजिंग वहाँ यूज कर सकते हो। तो ये एक समझो कॉन्टेंट मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। आपको आइडियाज भी काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, 20 आइडियाज। आप और आइडियाज जनरेट कर सकते हो यहाँ से। सो आइडियाज लो, इम्प्लीमेंटेशन
यू नीड टू चेंज द समथिंग, मोल्ड करना है उस कॉन्टेंट में और फिर उसको आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सेकेंड, हाउ टू गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स, आप गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स भी बना सकते हो। प्रोवाइड स्टेप बाई स्टेप गाइड्स एंड ट्यूटोरियल दैट हेल्प योर ऑडियंस सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और लर्न न्यू स्किल। विजुअल कॉन्टेंट लाइक वीडियोज और इन्फोग्राफिक्स कैन बी पार्शियली इफेक्टिव। देखिए सही बात है, अगर मैं वीडियोज बना रहा हूँ तो आपको मैंने लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया लग रहा है तो कहाँ पर यूजर एंगेजमेंट बढ़ी, यहाँ बढ़ गई। मैं एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स की लिख के प्रेजेंट कर दूँ अपने आर्टिस्ट साइट पे, कितने लोग आएंगे, लोग आएंगे वो चीज़ें 2 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पढ़ के निकल जाएंगे। इंगेजिंग कितने होंगे, तो इंगेजिंग कंटेंट बनाना और एक ज़्यादा मैं कहूँ कि वीडियो बनाकर या इन्फोग्राफिक्स बनाकर आप प्रेजेंट करते हो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि किस तरह से हमें सिस्टम को बनाना है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ SEO क्लास की, राइट। तो जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई मेरे ये चैनल पे आपको आना है और चैनल पे आपको आने के बाद, राइट, जैसे मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे कंप्लीट फ्री SEO कोर्सेज है, सो यू हैव आइडिया। अब आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप वहाँ से कर सकते हो, पढ़ सकते हो सारे कोर्सेज। सो अब इसी चीज़ को मैं कहूँगा कि आप एक बुक की तरह लिख दूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आती है, लोगों थोड़ा सा ये होंगे, बोरियत होगी थोड़ा सा, अगर उसमें इमेजेस ना डालूँ या इन्फोग्राफिक्स ना डालूँ या मैं कोई चैट ना डालूँ या मैं उसमें कोई रिसर्च टॉपिक्स ना डालूँ। सो अगर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे बोलते हुए तो लोग सुनना पसंद करेंगे ना कि उसे पढ़ना। तो मेरा भी यही है कि आप उन चीज़ों को जितना एक्सप्लोर ईजी वे में एक ये यूट्यूब या वीडियो बना के आप कर सकते हो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। अब रही बात की कोर्स कैसे बनाओगे, राइट। अभी मैं आता हूँ नीचे ऐड पे और यहाँ पे आने के बाद अब मैं फिर से सर्च करता हूँ मेरे को कोई कोर्स बनाना है, राइट। सो कंटेंट मैंने लिखा STORIES, सॉरी कंटेंट आ गए यहाँ पे। अब देखो अब आपके पास सारे यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे आ गए हैं, राइट। सो यू कैन सी जज एवरीथिंग, कैसे करना है, किस तरीके का आउटलाइन चाहिए, यहाँ से आउटलाइन आप निकाल सकते हो, क्या टॉपिक है उस टॉपिक पे लिख सकते हो। सो जैसे मैंने यहाँ पे बेटर कंटेंट आउटलाइन निकालना है, राइट, और मेरा टॉपिक आप मान लो कि कीवर्ड रिसर्च। सो मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया और मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की एक बुक लिखनी है, सो मैंने यहाँ पे लिखा कीवर्ड रिसर्च। सो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को एक आउटलाइन बनाकर दे देगा कि आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कॉन्टेंट रेडी कर सकते हो। देखो ये एक सिस्टम है, इसे समझो और इम्प्लीमेंट खुद से करो तो रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे, राइट। अभी आपको देखो इतने सारे आगे डेटा, अब इस डेटा को डिटेल्स में विथ ग्राफिक्स थोड़ा सा उसमें लगाकर, थोड़ी इमेज बनाकर, थोड़ा सा उसमें चैट बनाकर, थोड़ा सा उसमें रिसर्च एनालिसिस, तो उसका बेटर रिजल्ट आएगा। सो आपके पास एक पूरी आउटलाइन आ जाती है और इस आउटलाइन के बेस पे आप कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। यही करना है, एक ट्यूटोरियल आपकी बन जाएगी यहाँ पे 100 पेज की। सो यू कैन, आपको पूरा कीवर्ड रिसर्च पे मैंने एक बुक ही लिख दी और इस बुक को आप अमेजोन में सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में सेल कर सकते हो, डिजिटल है, दिस वन इज़ अ डिजिटल, सो आप सेल करके आपकी अर्निंग भी होगी। तो दिस वन इज़ अ कंटेंट मार्केटिंग चैनल आप कर सकते हो इसे, जिससे आपको बेनिफिट होना ही होना है, राइट। अब कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हो लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है, कहीं फेलियर भी होता है, तो मोस्टली जहाँ पे सक्सेस होता है तो आप उनको कस्टमर से सक्सेस स्टोरीज के साथ एक वीडियोज बना के शेयर कर सकते हो कि एक्चुअल द सिस्टम कहाँ पे थी, कहाँ पहुँची, अब कहाँ पे जाना है। सो ग्रोथ है, दिस वन इज द ग्रोथ, और कहीं ना कहीं इसमें इंगेजमेंट होती है कस्टमर की आपके साथ, एक ट्रस्ट बनता है एक ऑडियंस के साथ। शेयर स्टोरीज और ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियोज बना के आप डालोगे ना, एक टेक्स्ट मैसेज या मैं ऐसे लिख दूँ कॉन्टेंट कोई नहीं पढ़ता, ये मैं वीडियो बना के थोड़ा सा अच्छे प्रेजेंट कर दूँ, डेफिनेटली लोग इंगेज हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि एक्चुअली उन्होंने बताने की क्या कोशिश की है। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्टेंट मार्केटिंग, दिस वन आर द थर्ड
अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन है बिहाइंड द स्क्रीन कॉन्टेंट, टेक योर ऑडियंस बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ योर बिजनेस, शो देम द पीपल प्रोसेस एंड कल्चर डैट मेक योर ब्रांड यूनिक। सो आपको देखो एवरीथिंग इज ऑन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट, कॉन्टेंट कह रहा हूँ लेकिन वो सारे एक जैसे ही हैं। वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई क्विजेज में, वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई गाइड्स में, ट्यूटोरियल्स में, वो चीज़ें कस्टमर के सक्सेस में हो गई, स्टोरीज में से हो गई, वही चीज़ें अब मैं स्किन कंटेंट बिहाइंड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसके पीछे। सो फ्रेंड है ना आइडियाज है ना, इसे आप यूज़ करके कितना बेटर रिजल्ट आप आ सकते हो। आपको मैं कहता हूँ 1000 वर्ड्स की आर्टिकल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपकी आर्टिकल इंगेजिंग है, ये आपको सोचना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने में, मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ इसलिए मैं एक दिखाता हूँ साइड बैक लिंक को, राइट, ब्रायन डीन की है और मैं इसके ब्लॉग पे आता हूँ। अब मैं कहूँगा कि भाई इसके ब्लॉग पे आ गया यूजर बिहेवियर एंड SEO ए डीप डाइव, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ और इनकी देखो आप किस तरीके से लिखा हुआ, मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगता है। कहीं ज़्यादा वो पैराग्राफ बिल्कुल शॉर्ट है, बुलेट पॉइंट में है, इमेजेस के साथ हैं, एक एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, नोटिस करो किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया हुआ है H1, H2, H3, H4, H5, H6 और आप देखो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने समझाया है। भाई टाइम लग जाते हैं ऐसे कंटेंट रेडी करने में, महीने लग जाते हैं और तब ये चीज़ें प्रेजेंट होती, लेकिन इसका फ़ायदा बेनिफिट्स आप देखो 7382 शेयर्स। कहने का मतलब कंटेंट को आप जितना इंगेजिंग बनाएंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा और उतने बेटर आपको रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कॉन्टेंट बनाते वक्त कि एक्चुअल में कॉन्टेंट है क्या, क्या आपने शॉर्ट पैराग्राफ यूज किया, क्या वो यूजर इंगेजिंग क्लिक बेट आपके टाइटल में है, क्या आपने कॉल टू एक्शन यूज किया, क्या आपने इमेजेज इन्फोग्राफिक वीडियो प्रेजेंट की उसमें कंटेंट में, तभी तो यूजर इंगेजमेंट बढ़ेंगे ना, तभी बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आपको ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिफ्थ इन्फोग्राफिक्स, विजुअलाइज कॉन्टेंट ऑलवेज हेल्प फॉर योर बिजनेस। आप जितना इन्फोग्राफिक्स बना के उसे प्रेजेंट करेंगे, मैं कहता हूँ कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस है, क्या है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस। सो आप बनाओ ना कीवर्ड रिसर्च, आइडिया लेने के लिए क्या करनी है आपको, पूछना है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, राइट, इन्फोग्राफिक्स आप लिख दो, ये मैंने लिखा है इन्फोग्राफिक, राइट। अब आपको आना है यहाँ के, यहाँ पे इमेजेस के अंदर लॉट्स ऑफ द इन्फोग्राफ ये आ गए, आइडियाज लो इम्प्लीमेंट करो, डोंट डू। आपको ध्यान रखना है क्लैरिटी होने चाहिए आपकी कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस पे, ये नहीं कि हमने बिल्कुल इस तरीके से बना दी गैदरिंग और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जो यूजर के समझ में नहीं आए, वो वर्क नहीं करना है। बहुत ही कंटेंट छोटे होते हैं, बहुत ही टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्लिकी होने चाहिए आपके टॉपिक, तभी तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दीज आर द ऑप्शंस आपको सोचना है, आप यहाँ से अपने निकालो आइडियाज और इम्प्लीमेंट खुद से कर लो अपने ये इन्फोग्राफिक्स के लिए, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। वेबिनार्स एंड लाइव स्ट्रीम, होस्ट लाइव वेबिनार्स और QA सेशन टू इंगेज विथ योर ऑडियंस इन रियल टाइम, रिकॉर्ड दिस सेशन फॉर ऑन डिमांडिंग व्यू। आप जब वेबिनार वगैरह करते हो, फेसबुक से मैंने एक लॉन्च कर दिया, मैंने वेबिनार किया, या आप लाइव कोई स्ट्रीम करते हो या किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, वो जो प्रेजेंटेशन बनते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग के साथ आपको सेल्स जनरेट की लीड्स की, राइट। आपको ये समझना है कि हम क्या टेक्निक्स को लेकर इसे फॉलो करें जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। फ्रेंड दैट इज अ वेरी एडवांस SEO, अगर आप इसको कर लेते हो, इस पर इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। यूज वेबिनार्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस। नेक्स्ट ई बुक्स एंड वाइट पेपर्स, क्रिएट इन डेप्थ रिसोर्सेज, डाइव डीप इनटू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रिसर्च और सॉल्यूशन, गेट दिस बिहाइंड अ लीड जनरेशन फॉर्म टू कैप्चर ईमेल एड्रेस। फ्रेंड ई बुक्स एंड वाइट पेपर्स, जैसे बहुत सारे आप साइटों में देखी होगी कि लोग ना यूज करते हैं, राइट, कि भाई अगर आप मेरे साइट पर आते हो तो अगर आपको कोई न्यूज़पेपर या कुछ चाहिए, जिससे आपका एक डेटाबेस बनता चला जाता है जिस तरीके से आप वर्क करते हो, जैसे उन्हें बैकलिंकों पर गया, राइट। मैं इस पे आता हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है ये। सो ईमेल एड्रेस देने का मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई ना कोई टिप्स मुझे ब्रांड डीन से मिलेगा,
या आपके कन्फर्मेशन है, तो एक क्या हो गया, इनको एक तो ईमेल आईडी आ गया ना जो रियली वे इंटरेस्टेड है कस्टमर। सो आपका किस तरीके से आप सोच सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से देने से कितना बेटर, आपको एक ईमेल मार्केटिंग का डेटा भी रेडी हो जाएंगे, देन यू कैन डू एवरी टाइम ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो, जिससे आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका पॉडकास्ट, स्टार्ट अ पॉडकास्ट सीरीज वेयर यू कैन डिस्कस इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंटरव्यू एक्सपर्ट्स और शेयर वैल्यूएबल इनसाइट्स। पॉडकास्ट आर अ ग्रोइंग मीडियम विद अ डेडिकेटेड ऑडियंस। सो फ्रेंड, पॉडकास्ट में आप क्या कर सकते हो, पॉडकास्ट में आप ऑडियो बना के आप ऐड कर सकते हो, किसी कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन या अपना रिसर्च किसी टीम मेंबर के साथ या अनदर थिंग, जो भी आपको लगता है कि इससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है, एक ऑडियंस इंगेजमेंट होती है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। इसका बेनिफिट्स भी आपको मिलता है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, राइट। सो पॉडकास्ट बनाना भी कोई ये नहीं है बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप क्रिएट पॉडकास्ट बना सकते हो, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है और यहाँ पे लिखना है पॉडकास्ट साइट्स। ये आप देखो, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, तो काफ़ी साइट यहाँ पे आ जाएंगे फ्री। सो लॉट्स ऑफ द लिस्ट इज कमिंग। अब आप इसे यूज करके जो आपने बनाया है ऑडियो रिप्रेजेंट करो, इसको कहीं ना कहीं उसकी स्पीड उसको मतलब कि ये ट्रांसलेट आप ये उसकी जितने भी आपने जो चीज़ें बताई है उसकी पूरी ट्रांसलेट आ जाती है, तो उनको भी आप प्रेजेंट कर सकते हो उसके नीचे, कि कोई यूजर अगर सुनना पसंद नहीं करे तो इस स्पीच को पढ़ तो सकता है। सो कीप ऑन दिस स्ट्रैटेजी, कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट्स मिलना ही मिलना है। मैं 20 स्ट्रैटेजी ऐसे बता रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको लीड्स और सेल्स को जनरेट करने में। यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट, इनकरेज योर कस्टमर टू क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, शेयर देयर रिव्यूज फोटोज एंड स्टोरीज ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। सो आप यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट भी यूज करके अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी टाइम यू नीड टू एजुकेट द कस्टमर ऑडियंस, आपको एजुकेट करना है, रिजल्ट्स पीछे पीछे अपने आप ही आएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो, आप अगर सर्विसेज सेल कर रहे हो, कुछ भी कर लो, एजुकेट करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर पीछे पीछे आएंगे। ये सेक्रेट है, इसको आपको यूज करना है। आपको सफलता अगर चाहिए इसमें तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम को यूज करो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ईमेल न्यूज़लेटर, रेगुलरली सेंड इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल न्यूज़लेटर टू योर सब्सक्राइबर, शेयर इंडस्ट्री अपडेट टिप्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफर। सो जब आपके पास ईमेल की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है तो डेफिनेटली आप उन्हें ईमेल के थ्रू भी बता सकते हो, जिससे कि जैसे आपने कोई नया आर्टिकल लिखा या आपने कोई वीडियो पब्लिश की, सो आप यू कैन सेंड कि आपने की ये चीज़ें बनाई है, ये चीज़ आपने लिखा है, ये चीज़ आपने पब्लिश की है, और इससे आपको एक बेटर यूजर इंगेजमेंट मिलेगा जिससे आपको बेनिफिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं से तो सेल्स जनरेट होंगे ना, 100 में अगर 10 क्लिक करके भी आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, उसमें से 5 भी बाई कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो पैसे निकल आते हैं, राइट। केस स्टडीज भी आप बना सकते हो, शो केस हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज हेल्प स्पेसिफिक क्लाइंट अचीव सक्सेस, यूज रियल डेटा एंड मैट्रिक्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट। सो केस स्टडी, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव कर ली, मैंने उसकी ट्रैफिक 10 मिलियंस कर दी, कीवर्ड से 5 लाख के आसपास, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मैंने की इसके पीछे क्या केस बनाया, जीरो ग्राउंड से लेकर टॉप ग्राउंड तक मैंने क्या क्या किया, वो सारे मैं केस स्टडीज में लिखूंगा। क्या मैंने प्रॉब्लम फेस की, किस तरीके का टेक्निकल इश्यू मैंने फेस की, क्या मैंने सजेस्ट किया कस्टमर को, कैसे हमने इम्प्रूव किया, क्या टेक्निक्स हमने यूज़ किया। सो दीज आर द केस स्टडीज, जिससे एक अवेयरनेस आती है और शायद उससे आपको बेटर प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, बेटर लीड्स मिल सकते हैं, आपको प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी होती है। इंटरैक्टिव वीडियोज, क्रिएट इंटरैक्टिव वीडियोज डैट अलाउज व्यूअर टू मेक चॉइसेज एंड सेव द नैरेटिव, दिस कैन बी पर्टिकुलरली इंगेजिंग फॉर स्टोरी टेलिंग। सो इंटरैक्टिव वीडियोज भी आप बनाकर इन चीज़ों को आप दिखा सकते हो। सारे प्रोसेस देखो एक ही जैसे हैं, बट किसी में बोलना है, किसी में लिखना है, राइट, हैं तो वही सारे, बट आपको इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से करना है वो यही है कि आपको बताना है कि किस तरीके से आपकी वो सिस्टम वर्क करती है। गेस्ट ब्लॉगिंग,
गेस्ट ब्लॉगिंग आपको पता है कैसे करनी है, बट गेस्ट ब्लॉगिंग कहाँ पे करोगे सबसे बड़ी चीज़ है। अब क्या होता है कि बहुतों को एड्रेस नहीं होते, गूगल में गए सर्च की और उनको रिजल्ट्स आते नहीं हैं, मतलब सर्च करें कहाँ पे क्या करना है, किससे कॉन्टैक्ट करूँ, किसको पैसे देने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आती है। सो फिर मैं ना आई कॉपीफाई यूज करता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे गया, ओके, और यहाँ पे करीब करीब आप देखो आपके सामने हैं कितने सारे पब्लिशर्स हैं, जहाँ पे आप एनी चॉइस जो भी आपके बजट से अकॉर्डिंग है एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्या वेबसाइट है, क्या कैटेगरीज है, मंथली ट्रैफिक कितनी है, HREF की डोमेन रेटिंग क्या है, MozDA की कितना डोमेन अथॉरिटी है, किस लैंग्वेज में चाहिए, किस तरह का वेबसाइट चाहिए, क्या कॉस्टिंग है, एवरीथिंग इज हेयर। सो हमारा काम ईजी हो जाता है। अगर मेरा को $5-10 में भी, अगर आपका बजट के अनुसार कि मंथली बजट आपकी कितनी है, $500 है, $200 है, जिस तरीके से भी हो, सो यू कैन चूज दिस द वेबसाइट और वहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच। आपको कंटेंट देना है और वो 1 से 2 दिन के अंदर पब्लिश होकर आपके पास आ जाएगी। जस्ट नाउ क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद बाय पोस्ट पे क्लिक करना है, आपको कंटेंट आर्टिकल देना है, आपको लिंक के बना कर देना है उसमें कितना लिंक एक्सेप्टेड है, और फिर वो चीज़ें पोस्ट हो जाती है। सो गेस्ट पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट एवरी टाइम आप गेस्ट पोस्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते। बहुत सारी साइट ऐसी होती है जिसकी DA काफ़ी अच्छी होती है बट ट्रैफिक नहीं होती है, वैसे साइटों पर वर्क नहीं करना। यू नीड टू चीज बेटर DA और मंथली ट्रैफिक जहाँ पे अच्छे हो, उसी में करेंगे तभी आपको बेनिफिट से गेस्ट पोस्ट का, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मनी। कंटेंट सीरीज, डेवलप ए सीरीज ऑफ कंटेंट अराउंड ए सेंट्रल थीम, दिस कुड बी अ मंथ लॉन्ग कैंपेन और अ मल्टी पार्ट ब्लॉग पोस्ट सीरीज। तो आपको कंटेंट सीरीज का भी ये ध्यान रखना है, जैसे एज एग्जांपल मैं अपने साइटों पे जाता हूँ और मैंने लिखा एडमिन प्लस, जो मैं ब्लॉग करता हूँ, राइट, तो मैंने जो ब्लॉग करता हूँ उसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके, पब्लिश की। सो कितने टाइम्स आप अपडेट करते हो अपने कंटेंट को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या वे हैं उसे प्रेजेंट करने की, आप देखो किस तरीके से मैंने आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन बना के एवरी थिंग्स यू नीड टू डिटेल। अभी इस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, और भी लिंकिंग स्ट्रैटेजी पे, उसके बाद इन्फोग्राफिक्स पे, उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे वीडियो ऐड भी किए हैं 1-2। तो मतलब आप देख लो कि किस तरीके से आप कस्टमर को यहाँ पे यूजर इंगेज कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी लगी उनको, तो वो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली SEO वैल्यू क्या, मतलब क्या है। यू कैन सी हियर वेबसाइट SEO आर्किटेक्चर एंड विजिबिलिटी, क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो क्या हो गया, आपने यूजर को इंगेज कर ली, आपने एक ऑडियंस को इंगेज किया अपने साइट पे, और गूगल यही देखता है कि आपकी साइट पे कितनी टाइम्स इंगेजमेंट होती है। सो यू विल गेट अ रैंकिंग, यू विल गेट अ ट्रैफिक, यू विल गेट अ रिजल्ट्स। द नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया चैलेंजेस। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि यार सोशल मीडिया कर रहे हैं 3 महीने 4 महीने चले, हो ही नहीं रहे कुछ भी। सो फ्रेंड आपको डेडिकेटेड होकर ट्रेंड्स के बारे में सोचनी है। आप सोशल ट्रेंड्स के लिए हूटसूट जैसी या बहुत सारी वेबसाइट आती है आज की डेट में, उसे यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया चैलेंजेस में क्या फेस होती है, क्या हमने टॉपिक शेयर कर रहे हैं, किस तरह का टॉपिक शेयर कर रहे हैं, क्या वो रियल में यूजर सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं वो, राइट। जैसे मैं कहूँ मैं अपना करता हूँ यहाँ पर फेसबुक, ओके, तो फेसबुक में मैं जो शेयर करता हूँ, ठीक है, क्या शेयर कर रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है यूजर्स के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसे मैं यूज कर रहा हूँ तो कितने लोग देख रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, क्या टाइम है आपकी उसे पब्लिश करने की, एवरी थिंग्स यू नीड टू थिंक। एक टाइम बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा, जिससे कि आप डेली करते हो, वीकली करते हो, या वीक में 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, ये मायने रखती है पोस्ट पे। सो यू नीड टू एवरी थिंग्स कि किस तरह से पोस्ट कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, किस बारे में बनी है वीडियो, ये सब, तभी वो चीज़ें आपकी फोकस होते हैं। यूज प्रॉपर हैशटैग फॉर योर द वीडियोज, अगर आपकी ये कंटेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हैशटैग यूज करें। सो डेफिनेटली आपको एक बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। सोशल मीडिया चैलेंज है कंटेंट रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रीपर्पस योर टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल टर्न अ ब्लॉग पोस्ट इनटू अ वीडियो और अ सीरीज ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। कंटेंट रिसाइकलिंग क्यों करते हैं, लॉट्स ऑफ दर्थी लोगों के मन में ये सवाल होता है। अब मैंने आर्टिकल को लिखे, ये एक समय काफ़ी हिट हुए,
बट द टेंडेंसी इज नाउ चेंज आफ्टर द 2 ईयर्स आफ्टर द 3 ईयर्स। मैंने क्या क्या उसी कॉन्टेंट को क्या रिवैम्प कर दी। क्यों रिवैम्प की, क्योंकि मुझे पता था कि एक्चुअली बैकलिंक की जो पहले की स्ट्रैटेजी 5 साल पहले थी उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं थे, अब आ गए ये कॉन्सेप्ट, सो आई नीड टू चेंज द कॉन्टेंट अकॉर्डिंगली। मुझे चेंज करना है, मुझे उस बारे में बताना है कि एक्चुअली में ये बैकलिंक सिस्टम वर्क कैसे करते हैं, और तभी मेरे को वो आइडियाज़ लगेंगे, तभी मैं उसकी वीडियोज़ बनाऊँगा, तभी मैं उनके इन्फोग्राफिक्स करूँगा। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू थिंक, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को बनाने के लिए, और किस तरीके से कंटेंट को यूज करना है, कैसे ऑडियंस को इंगेज करना है, ये ध्यान में रखना है। लोकलाइज्ड कंटेंट, टेलर योर कंटेंट टू स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन और कल्चर्स इफ़ यू हैव ए डाइवर्स ऑडियंस। सो डेफिनेटली मैं भी बात कर रहा था लोकलाइज्ड कंटेंट। अब क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे मिलेंगे आपको जो मतलब लोकली बिजनेस को सर्च करते हैं। जैसे मैं कहूँ अपने एग्जाम्पल में, 2 BHK बाई 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। सो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन है कि 2 BHK फ्लैट की क्या क्या कॉस्ट होगा, या वो सर्च कर रहे हैं कि 2 BHK फ्लैट्स उनको नोएडा के अंदर चाहिए, किस रीजन में चाहिए। सो इट्स ऑल मैटर्स करते हैं, क्योंकि आपको लोकलाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जब आप साइट बनाते हो या जब आप सिस्टम पे काम करते हो तो आप यही देखते हो कि आपका टारगेट मार्केट क्या है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, आपका टारगेट मार्केट इंडिया है या वर्ल्ड ग्लोबल है, आपकी प्रोडक्ट से सर्विसेज हैं, कहाँ आप टारगेट कर रहे हो, इंडिया के अंदर किसी सिटीज़ को लिया है या पूरी इंडिया को लिए या ग्लोबल लिए। सो डिपेंड्स ऑन यू कि वेयर यू आर टारगेटिंग योर प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज, देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रोमोट आपको करने पड़ेंगे। इंटरैक्टिव मैप्स, क्रिएट इंटरैक्टिव मैप्स और टूल्स दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और नीज। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रिसर्च 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 इज़ द सक्सेस ऑफ द की। मतलब आप जितना रिसर्च करोगे, आप टूल्स बना लो, आप उसको मार्केटिंग करो, यू नो बेटर, आपको डिजिटल की पूरी आइडिया, सो आपको पता है कि आप किस तरह से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, कैसे कंटेंट इंगेज कर सकते हो विद द ऑडियंस, सो डेफिनेटली दिस विल बी हेल्प फॉर योर द बिजनेस। सीजनल कंटेंट, अब जैसे मैं कहूँ ना कि कोई ओकेजन आ गए, सो हाउ टू यू इंटीग्रेट, देखो यूजर्स को आपको इंगेज रखना है, सो समथिंग क्रिएटिविटी यू नीड टू थिंक कि किस तरीके से आपको वो कंटेंट को रेडी करना है। कोई सीजनल ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, या दशहरा आ गए, या दीपावली आ गई, सो यू नीड टू फोकस कि एक्चुअली कुछ ऐसा डिमांड कस्टमर की जो मैं वहाँ पे कुछ डिस्काउंट दूँ, या मैं ये रिसर्च करके फ्री में दे दूँ, या मैं फ्री ऑडिटिंग कर दूँ फॉर द सम टाइम्स के लिए, सो एक इंगेजमेंट बन रही है कि चलो या मेरे को फ्री ऑडिट रिपोर्ट भी मिल जाएगी यहाँ से, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कैंपेनिंग हो, चाहे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हो। सो सीजनल कंटेंट डेफिनेटली विल बी हेल्प फॉर योर बिजनेस। सो रिमेंबर, ये जो 20 टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हुए ध्यान से करोगे ना, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमेंबर टू ऑलवेज कीप योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड, है ना, लिखा मैंने, कीप योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड, अट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कॉन्टेंट टू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी ओवर टाइम। कॉन्टेंट मार्केटिंग इज एन द ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड अडेप्टिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, आपको ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, करना है करना है करना है, एवरी टाइम यू नीड टू अपडेट। आपको सोचना है कि क्या करना है, किस तरह का ऑडियंस आ रहे हैं, इफ़ यू हैव ए टीम, टीम को आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से आप अपना सिस्टम को चला रहे हो, कैसे वर्क कर रहे हो, किससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और डेफिनेटली देर आर द 2 गोल्स, आपको ट्रैफिक चाहिए, लीड्स चाहिए और सेल्स चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होती है। सो फ्रेंड, यही होती है कंटेंट मार्केटिंग, और कंटेंट मार्केटिंग में डेफिनेटली आपने इंटर्न्स को यूज कर लिया, डेफिनेटली यू विल गेट अ बिग प्रॉफिट्स। ओके, सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो आज पसंद आती है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कॉमेंट जरूर करें कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।